क्या बात है। ओके गाइस, तो यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। ये मेरे मामा जो कि आए थे, इनको घुमाने के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं जामा मस्जिद में। भाई भीड़ हो रही है अच्छी खासी, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है और इतनी आवाज़ आ रही है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी हम जामा मस्जिद में जो भी चीज़ करेंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एंड माशाल्लाह यहाँ की जो रौनक हो रही है ना, आस पास के जो लोग हैं उनको तो पता है यहाँ के बारे में, बट जिनको नहीं पता है और जो आना चाहते हैं तो वो यहाँ की रौनक देख लो। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो तरावी की नमाज के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए यहाँ पे और अभी कुछ मन कर रहा है खाने पीने का, ऐसे ही बना के रखो पूरी। मामा क्या खाओगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही वाइब आ रही है देखने के बाद। भाई सेटिंग वगैरह भी कर रखी है, बढ़िया तरीके सेटिंग कर रखी है। आओ बैठो, मतलब वहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे भैया हमारा ऑर्डर ले लेंगे, खा लेंगे। आप ही के भाई ऑर्डर के लिए क्या करा है? ऑर्डर चार कबाब चार टिक्का। गाइस मुझे पर्सनली ना ऐसी जगह बहुत पसंद है घूमने के लिए, और साथ में ना मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी घूमूं और आप लोग सब भी शेयर करूँ कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है। बाकी तो जिनको पता है वेल एंड गुड है, बट जिनको नहीं पता वो आ सकता है यहाँ पे। और अभी ये रौनक और कुछ दिन लगने वाली है, जब तक ईद नहीं आ जाती है, तो सोचना नहीं है, फटाफट आ जाओ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और यहाँ पे आके आप काफ़ी चीज़ें खा भी सकते हो, काफ़ी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हो, और अच्छे अच्छे डिशेज होते हैं माशाल्लाह जामा मस्जिद में खाने के लिए, वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो किसी दिन ना इफ्तार करने के लिए भी आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। नहीं मैं मामा से तो मैंने बोला था, मामा को आए हुए 2 दिन होगा, मैंने बोला मामा सैर ही करेंगे यहाँ पर चलकर, बट किसी वजह से प्लान नहीं हो पाया। तो ठीक है मामा। भाई मेरे मामा यहाँ पे पहली बार नहीं आए, इससे पहले आ चुके हैं, रहते यूपी में लेकिन दिल इनका दिल्ली में ही लगता है। है मामा? ओके ओके। तो गाइस अभी का ब्लॉग जो है ना मेरा यही शूट हो रहा है, और अचानक से प्लान बना आज जामा मस्जिद आने का, तो सोचा कि यहीं पे आके तरावी पढ़ लेते, तरावी के बाद अपना कुछ खाने पीने बैठ गए यहाँ पर आ गया। रोटी दे देना, रुमाली रोटी दे दो भाई, चार दे देना। नहीं नहीं भाई, ये दो दे देना बस, फिर उसके बाद दो और बाद में लेंगे। यहीं पर ही बना रखा है। तो ये हमने खा रहे लालू गरम नहीं मिलेगी क्या कबाब? क्या गरम नहीं मिलेगी? ठीक है यार। मतलब मैं इस चीज से ना बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि ऐसा मतलब कुछ अभी जामा मस्जिद में होगा। पहली बार आया हूँ रमजान में, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मामा कुछ ले रहे हैं, मिसवाक ले रहे हैं। मिसवाक करोगे नहीं भाई? पड़ी रहेगी। कोई नहीं मामा, भांजा दिला रहा, कोई दिक्कत है क्या? इसको करने से नमाज से पहले करोगे तो 70 नेकियां करने से दांत के अंदर। अच्छा सुन मेरी बात सुन, मुझे मम्मी के लिए ना अजवा खजूर, ठीक है? मम्मी को रहते काफी थकान से, तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए ले लेता हूँ ताकत के लिए। अजवा खजूर अच्छा होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आधे कहीं पे लेके जाना है। लेकिन मामा नमाजी की वो है ये पहचान। अरे ठीक है भाई, समझ गए। और एक चीज ना देखो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ क्या मोहब्बत का शरबत वो बना रहे भाई, उस पे चलते हैं ऐसे वाले पे। हाँ उस पर वो मिलेगा, वो बंदा ट्रेंडिंग पे चलता है बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर मेन मार्केट की तरफ, मतलब हमारी तो मेन मार्केट, क्योंकि खाने पीने के सारे स्टॉल्स वगैरह अंदर ही मिलेंगे आपको। और आज तो बाहर भी रौनक लगी पड़ी है भाई। भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो दिखा रहा है। शाही टुकड़ा बढ़िया लग रहा है जो ये लिखा हुआ है, रमजान मुबारक। अरे सब खा लियो, कोई दिक्कत है क्या? देखो भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे,
बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने जेब का, जो भी आप लेकर आ रहे हो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कब मिनट से पहले किसी के किसी पर भरोसा नहीं है। सो इस चीज़ का बाकी कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग भी करनी थी, रुखसार ने मुझे कुछ चीज़ के लिए बोला था और मम्मी के लिए मुझे अजवा खजूर लेना है, तो उसकी फिराक चल रही है, मिल जाता तो ले लेंगे तुरंत। हम आओ टेस्ट करेंगे वालों, शान है मुगल, शान है मुगल, सारी शीरमान पे आई ना, ये खा के बताएंगे भाई हमारे कैसे। बोलो भाई कैसे है शीरमान? शान है मुगल भाई कैसा है? अच्छा है। ले लो एक आप, ले लो बहुत ज्यादा नहीं। बताओ कितने का है भैया? 50 रुपए का। 50 का है, दो पैक कर दो, दो पैक कर दो 50। मेरे को भी टेस्ट करा दे भाई कैसा है। अल्टीमेट अल्टीमेट हेलो भाई, इसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। सब अपना अपना टेंट ला रहा भाई, अपना टेंट ला रहा है। ठीक है तो बताओ टेस्ट कैसा है? ठीक है बताओ ना। अच्छा अच्छा उर्दू बाजार चल रहा है, उर्दू बाजार पारे लेना है भाई। ये स्टाइल स्टाइल है भाई। मैं भी देख रहा हूँ ना, मुझे अच्छी लगी उस साइड वाली। एक्चुअली पापा ने 30 पारे के लिए बोला था जो मस्जिद में रखवाने के लिए, तो उसके लिए मामा आए यहाँ पे देखने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी एक बैकग्राउंड के लिए ले लेता हूँ। माशाल्लाह देख लेता, चलो भैया दिखाना यार एक कोई किस चीज़ के लेना चाहिए तेरे हिसाब से? माशाल्लाह ही लेना चाहिए सबसे अच्छा तो। और दिखा देना एक बार, माशाल्लाह ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह ले लो। अच्छा क्वालिटी दिखाना कैसी है इसकी एक बार। ये क्या उस पर कालीन पे है क्या? फ्रेम यही मिलेंगे सारे, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अल्लाह मोहम्मद। ये नहीं चाहिए यार। गाइस खजूर, अजवा खजूर जो लेना था वो तो ले लिया है, लेकिन अभी भी हम सब लोगों ने डाउट में कि हमने जो लिया है ये छोटे वाले हैं, कोई सा डाउट लोग कह रहे हैं कि अजवा खजूर लंबा वाला होता है, तो हमें, मैं तो पहली बार ले रहा हूँ मुझे नॉलेज नहीं है, बट अगर आप लोगों को है तो कमेंट करके जरूर बताना कि जो हमने लिया है वो सच में अजवा खजूर है या कुछ और ले लिया है। अभी बिल्ली देखो कितनी बड़ी है। Two hours later. ये फाइनली मम्मी को देते हैं, नहीं मम्मी को देंगे पहले हम। तो ये मम्मी के लिए है, मम्मी का अजवा खजूर फाइनली। और मामा वाला है, और ये भी मैंने ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि मैंने अपने बैकग्राउंड बेड के पीछे के लगाने के लिए लिया। हाँ अब इसको क्या करना है तुम्हें? देखो भाई मामा तो कह रहे नहीं अजवा खजूर नहीं है, लेकिन जितने भी दुकान पूछा ना हमने, सब ने वो यही बोला अजवा खजूर है, इस पर लिखा भी है अजवा डेट्स। अब तुम्हें क्या करना है, इसे 2 रात में भिगा लो, सुबह इसका पानी पियो, ताकत आएगी शरीर में, और डायबिटीज पेशेंट्स वगैरह के लिए सबके लिए सही है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बज चुके हैं वापस आते आते हम लोगों को, और खाना तो खा लिया किस तरीके से हमें पता है, लास्ट में जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया ना, सब ने वैसे खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, बट खाने का टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आया, तो हमें तो पसंद आया। आपको आया पसंद? आप सबसे पहले बुराई तो आप ही कर रहे थे। हम नहीं कहा, आसिफ ने ना सरगी ने वो कर दिया है, खराब हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग, इसमें लिक्विड नहीं आ रहा ना। हां वही बात है, कहां निकलेगा है ये। क्या कर रही थी तुम हमारे साथ? प्रैंक कर रही थी? हैं प्रैंक कर रही हो हमारे साथ तुम? मतलब ये आई हुई है पीछे से हमारे शूट ले रही है, हम यहाँ पे लगे हुए थे क्या बना रहे थे, ये विम के साथ, ये मैं एक्चुअल में अमायरा के लिए लेकर आता है गन, जिसमें से निकलता है क्या अभी देख लेना आप क्या निकलता है यार, सिंपल सी बात है। कुछ और नहीं रुक सर, कुछ नहीं सिस्टम, कुछ नहीं है,
एक ही निकला, इतने सारे कर क्या रही हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब करो ऊपर, ये तो अब निकला ना, ये देखो नाइस ना।